जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि आंध्र प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 116 करोड़ से ज्यादा की नकदी हुई जब्त। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अधिकारी राज्य भर में 116 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त की है। अधिकारी ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी है। जी हां दोस्तों, गुरुवार को राज्य में विधानसभा व लोकसभा चुनाव एक साथ होना है। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा नकदी जब्त की गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी CEO गोपाल कृष्ण त्रिवेदी ने कहा कि देश में केवल दो राज्यों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी जब्त हुई है। पहले नंबर पर तमिलनाडु और दूसरे पर आंध्र प्रदेश है। जैसा उन्होंने कहा है कि यह दिखाता है कि राज्य में चुनावी तंत्र द्वारा अच्छा काम किया गया है। नकदी के अलावा अधिकारियों ने 101 किलो सोना, 330 किलो चांदी और 36,142 लीटर शराब और 2,250 किलो गांजा भी जब्त किया है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि गुजरात में कांग्रेस को लगा झटका, अल्पेश ठाकुर की पार्टी से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कई साल पहले गुजरात क्षत्रिय ठाकुर सेना का गठन कर चुके अल्पेश से कांग्रेस में बने रहने की उनकी इच्छा के बारे में पूछा गया था। उनके संगठन ने कांग्रेस पार्टी के साथ सभी रिश्तों को तोड़ने का फैसला किया था, जिसके बाद अल्पेश ने यह कदम उठाया। मंगलवार देर रात हुई ठाकुर सेना की कोर समिति की बैठक में कांग्रेस के साथ सभी संबंधों को समाप्त करने का फैसला किया गया, जिसके बाद अल्पेश ने 24 घंटे के भीतर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि आज 11 अप्रैल को अमेठी लोकसभा सीट के लिए नामांकन करेंगी स्मृति ईरानी। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी बृहस्पतिवार को अमेठी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। नामांकन पत्र सौंपने के अवसर पर VVIP लोगों की उपस्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। जी दोस्तों, स्मृति ईरानी ने बुधवार को यहाँ व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, देश को खंडित करने और समाज को विखंडित करने का सपना देखने वालों को अपना समर्थन ना दे, इससे देश कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे अमेठी ने एक प्रत्याशी नहीं बल्कि दीदी के रूप में सम्मान दिया है। मैं अमेठी की सेवा अपना परम धर्म समझती हूँ। कांग्रेस से आप सबको समाधान रहने की जरूरत है। स्मृति ने कटाक्ष किया कि आज राहुल गांधी अपने बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को लेकर अमेठी पर्चा भरने आए थे। मैंने कल ही पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा था कि दामाद जी यदि अमेठी आ रहे हैं तो अमेठी के किसानों को अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबे व्यक्ति को साथ लेकर चलने वाले और जमानत पर रहने वाले लोग भी सेना की कार्रवाई का हिसाब मांगते हैं। अमेठी को सिंगापुर बनाने की बात यहाँ के लापता सांसद करते हैं। सिंगापुर तो नहीं बनाया लेकिन अपमान खूब किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल आज नामांकन भरने आए तो यहाँ के लोगों से नहीं मिले, पीठ दिखाकर वापस चले गए। वह यहाँ से जीतने के बाद वायनाड पर्चा दाखिल करके करने चले गए, जबकि मैं हारने के बाद भी अमेठी के लोगों की सेवा कर रही हूँ। स्मृति ईरानी ने बताया कि वह बृहस्पतिवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। अमेठी में पांचवें चरण में 6 मई को मतदान होना है। ईरानी का अमेठी सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से सीधा मुकाबला है। राहुल ने बुधवार को ही नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में ईरानी को राहुल के हाथ पराजय का सामना करना पड़ा था। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि लालू यादव के लिए बुरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वह इस वक्त चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे हैं। लालू ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की मांग की थी। झारखंड हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद लालू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फिलहाल लालू का रांची के रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज चल रहा है। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया था। सीबीआई ने मंगलवार को कहा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लालू यादव राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर जमानत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पद रहते हुए भी उन्होंने पद का दुरुपयोग किया था। लालू को चारा घोटाला का सरगना बताते हुए सीबीआई ने कहा कि लालू को चार मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। उन्हें 27.5 वर्ष कैद की सजा मिली हुई है, लेकिन अब तक उन्होंने महज 20 महीने कैद की सजा काटी है। हाईकोर्ट ने पहले से ही उनके स्वास्थ्य की निगरानी रखने का आदेश दिया है। जैसे उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर दो जगहों से उम्मीदवार उतारने की बात कही है। सीबीआई का कहना है कि उन पर अभी भी सरकारी खजाने के दुरुपयोग करने के दो मुकदमे चल रहे हैं। दोनों ही मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही चल रही है। यह अहम चरण है। जमानत मिलने से लालू गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पूर्वी विधानसभा से भाजपा विधायक जगन प्रसाद गर्ग का निधन। जी हाँ दोस्तों, आगरा पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे जगन प्रसाद गर्ग का बुधवार को निधन हो गया है। इस बात की पुष्टि उनके भतीजे मनोज गर्ग ने की है। बताया जा रहा है कि अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें तुरंत पुष्पांजलि अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इसके बाद परिजन उन्हें रेनबो हॉस्पिटल लेकर गए, यहां भी डॉक्टर्स ने मना कर दिया। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। विधायक जगन प्रसाद गर्ग राजनीति के क्षेत्र के अलावा सामाजिक जीवन में भी खासे लोकप्रिय थे। लंबे समय तक रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रहे। 2018 में जनकपुरी समिति के भी अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर उपचुनाव से शुरू किया था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे उपचुनाव होने के पटकथा लिख गए। बता दें, जगन प्रसाद गर्ग ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर पुत्र धर्म निभाते हुए मुंडन संस्कार एवं तैरवी भी की थी। बताते हैं कि भाजपा विधायक जगन प्रसाद गर्ग का स्वास्थ्य पिछले 2 दिनों से खराब था। भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे जा रहे थे, लेकिन वहां कार्यकर्ताओं से कहते थे, ज्यादा बोल नहीं सकूंगा, स्वास्थ्य खराब है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि मोदी तुमको ले डूबेगा राहुल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण की कार्रवाई आज से शुरू हो गई। सभी 91 लोकसभा सीटों पर मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना कर दी गई हैं। सवेरे 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, जो शाम 5 बजे तक लगातार चलेगी। लेकिन आज सबसे बड़ा झटका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलील खारिज करते हुए राफेल डील की पुनर्विचार याचिका पर मंजूर दे दी। इस केस में परिणाम चाहे कुछ भी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हाथ एक बटेर जरूर लग गई है। जिस तरीके से कहावत है, अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक उसी तरह लोकसभा 2019 के चुनाव में राहुल गांधी के हाथ ये वही बटेर होगी जो लोकसभा चुनाव 1989 में विश्वनाथ प्रताप के हाथ बोफोर्स तोप के रूप में लगी थी। जिस प्रकार बोफोर्स तोप के हमले में अब तक की सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर बनी राजीव गांधी सरकार चरमरा कर चुनाव हार गई थी, जबकि राजीव गांधी के साथ देश का युवा खड़ा हुआ था, आज फिर वही सिचुएशन बनती चली जा रही है। राफेल मुद्दा लोकसभा चुनाव पहले एक बार फिर गर्म हो गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है। उधर अमेठी में अपना परिचय फाइल करते हुए राहुल का सीना चौड़ा हो गया। आज राहुल गांधी ने अमेठी लोकसभा से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है, जबकि केरल की बाढ़ लोकसभा सीट से पहले ही पर्चा भर चुके थे। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे आरक्षण नियमों में करने जा रहा है ये बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे आरक्षण नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब यात्री यात्रा से 4 घंटे पहले भी बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं। फिलहाल कम से कम 24 घंटे पहले तक इस बदलाव की सुविधा उपलब्ध थी। इसलिए जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक कराया है और वह किसी कारण उस स्टेशन से किसी अन्य शहर में हों, तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे ने एक सर्कुलर जारी कर रहा किया है कि नया नियम 1 मई से लागू होगा। बोर्डिंग स्टेशन में परिवर्तन के नए नियम के तहत यात्री आरक्षण चार्ट बनने के ठीक पहले, यानी यात्रा शुरू करने से 4 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करा सकते हैं। इसके लिए यात्री को 139 पर एक कॉल करना होगा।
इसके अलावा स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन सुपरवाइजर व पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS काउंटर पर एक आवेदन पत्र देना होगा। जानकारी के मुताबिक रेलवे के स्पष्ट किया है कि बोर्डिंग स्टेशन तो बदला जा सकता है, लेकिन यात्री रिफंड नहीं मांग सकते। इसके लिए यात्रियों को कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना होगा। यह नियम राजधानी शताब्दी समेत सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में लागू होगा। बता दें कि यह नियम जल्द ही लागू हो जाएगा, जिसके बाद यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस लोकसभा क्षेत्र का चुनाव रद्द। तमिलनाडु के वेल्लोर लोकसभा सीट पर चुनाव रद्द कर दिया गया है। वेल्लोर लोकसभा सीट पर चुनाव रद्द करने के लिए चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति से मंजूरी ली थी, जिसे देर शाम मंजूरी मिल गई। बता दें कि आयकर विभाग ने वेल्लोर जिले में सोमवार को द्रविण मुनेत्र गड़गम द्रमुक के एक अधिकारी के सीमेंट गोदाम से बड़ी संख्या में नकद जब्त किया था, जिसके बाद असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने DM के अधिकारी के सीमेंट के गोदाम में छापा मारा था। इस दौरान गोदाम के अंदर रखे कार्टूनों और बोरों से नोट के काफी बंडल जब्त किए गए थे। द्रमुक अधिकारी को पार्टी के कोषाध्यक्ष दुरुई मुरीगन का करीबी बताया जा रहा है। गोदाम से काफी मात्रा में रुपए मिलने के बाद चुनाव आयोग ने इस सीट से चुनाव रद्द करने की बात कही थी। बताया जाता है कि वेल्लोर संसदीय क्षेत्र में 18 अप्रैल को चुनाव होना है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब नई तारीख पर चुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि दुरुई मुरुगन के बेटे DM कथिर आनंद वेल्लोर सीट से द्रमुक के उम्मीदवार हैं। इससे पहले 2017 में चुनाव आयोग ने मतदाताओं को बड़ी मात्रा में पैसे देने की शिकायत के बाद RK नगर सीट से उपचुनाव रद्द कर दिए गए थे। अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह यहां चुनाव होंगे। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ आचार्य प्रमोद कृष्णन को उतारा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार राजनाथ सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा सीट से आचार्य प्रमोद कृष्णम को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने मंगलवार शाम को लोकसभा चुनाव के लिए आचार्य कृष्णम के साथ दो और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। पार्टी ने मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से पंकज सांघवी और उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से विनय कुमार पांडे को टिकट दिया है। लखनऊ सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। ऐसी अटकलें हैं कि समाजवादी पार्टी पूनम सिन्हा को यहां से अपना उम्मीदवार बना सकती है। सिन्हा आज ही पार्टी में शामिल हुई हैं। वह भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए जाने माने फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी हैं। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि ND तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी का निधन। रोहित की अचानक मौत के कारणों की जांच शुरू है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के पुत्र रोहित शेखर तिवारी का मंगलवार को निधन हो गया। वे 39 वर्ष के थे। रोहित तिवारी की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चला है। उन्हें साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में मृत लाया गया था। दक्षिणी दिल्ली पुलिस उपायुक्त विजय कुमार ने रोहित तिवारी की मौत की पुष्टि करते हुए एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि रोहित शेखर तिवारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी के पुत्र को मैक्स साकेत अस्पताल में मृत लाया गया। रोहित तिवारी की अचानक मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि रोहित तिवारी की नाक से खून आ रहा था। इसके बारे में नौकर ने उनकी मां को सूचित किया। रोहित की मां उस समय घर पर मौजूद नहीं थी। वह अस्पताल स्वास्थ्य जांच कराने गई थी। रोहित को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। रोहित तिवारी नई दिल्ली के पास इलाके डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। गौरतलब है कि स्वनारायण दत्त तिवारी ने रोहित को अपना पुत्र नहीं माना था। इसके बाद रोहित ने अदालत में लंबी लड़ाई लड़ी और अनंत वर्ष 2014 में स्व तिवारी को रोहित को अपना बेटा मानना पड़ा। स्व तिवारी के रोहित को बार बार अपना बेटा मानने से इनकार करते हुए पितृत्व विवाद में फंसने के बाद रोहित तिवारी को स्वर्गीय तिवारी ने अपना पुत्र माना और उसकी मां उज्ज्वला शर्मा से 79 साल की उम्र में रीति रिवाज के साथ विवाह किया था। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि BJP कार्यकर्ताओं पर लगा महिला से जबरन भारत माता की जय का नारा लगवाने का आरोप।
जी हाँ दोस्तों, चुनावी माहौल के बीच बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कुछ पार्टी समर्थकों पर एक महिला से जबरन भारत माता की जय के नारे लगवाने का आरोप लगा है। बीजेपी समर्थकों ने घटना के दौरान महिला से न केवल नारेबाजी की बल्कि उसके घर पर लगे कथित इस्लामिक झंडे को भी हटवा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये मामला कर्नाटक के बेंगलुरु शहर का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी समर्थक महिला के घर हरे झंडे हटवाने पहुंचे थे। इसके बाद महिला ने उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहा, पर बीजेपी समर्थकों ने महिला की एक न सुनी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि महिला से जबरन भारत माता की जय के नारे भी लगवाए। पीड़ित पक्ष से इस संबंध में पुलिस को शिकायत भी दर्ज की गई है या नहीं, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं हो सकी है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी समर्थक बेंगलुरु दक्षिण से पार्टी प्रत्याशी तेजस्वी सूर्या के लिए चुनावी प्रचार कर रहे थे और उस दौरान वे बीजेपी का झंडा भी लिए हुए थे। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि राहुल गांधी पर जल्द करूंगा मानहानि का मुकदमा। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा है कि वे मोदी उपनाम के सभी लोगों को चोर बताने वाले बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जल्द ही मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। श्री मोदी ने यहाँ कहा है कि कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने मोदी उपनाम वाले सभी लोगों को चोर बताकर इस समाज के 1 करोड़ लोगों का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि इससे बिहार में उनकी तरह लाखों लोगों के सम्मान को ठेस पहुंची है, इसलिए 1-2 दिन में वह श्री गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। भाजपा नेता ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने फोन पर पैरवी कर बैंकों के 13,000 करोड़ से ज्यादा रुपए नीरव मोदी के खाते में पहुँचाए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्ती के कारण नीरव जेल पहुँच गया। साथ ही महाराष्ट्र में उसका 50 करोड़ रुपए का बंगला डायनामाइट से ध्वस्त कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि सपा में शामिल हुई शत्रुघ्न की पत्नी पूनम सिन्हा, डिंपल यादव ने दिलाई सदस्यता। बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा मंगलवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हो गई हैं। सपा के आधिकारिक ट्वीट में कहा गया है कि पूनम सिन्हा सपा नेता डिंपल यादव की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गई। इस बीच पार्टी सूत्रों ने बताया कि पूनम के लखनऊ सीट से केंद्रित गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की संभावना है। राजनाथ ने शुक्रवार को ही नामांकन दाखिल किया था। लखनऊ सीट पर मतदान 6 मई को होगा। आपको बता दें कि लखनऊ की सीट से अभी तक सपा ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वैसे यहां से शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को सपा से टिकट मिलने की चर्चा काफी समय से है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस में शामिल होने के बाद स्थिति कुछ बदली थी। इससे पहले 6 अप्रैल को बीजेपी के 39वें स्थापना दिवस पर पार्टी के कद्दावर नेता शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हुए थे। बीजेपी नेतृत्व के साथ शत्रुघ्न सिन्हा लंबे समय से खफा चल रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा से ही बीजेपी को लेकर हमलावर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए कमेंट करके जरूर बताएं, और अब की आप भारत में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और आप किस राज्य और किस शहर से अपने राज्य शहर का भी नाम जरूर मेंशन करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो।